इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो राजधानी पटना से निकल कर के सामने आ रही है। बता दें आपको कि बीजेपी में शामिल होने के लिए पूर्व प्रवक्ता और एमएलसी जो रणवीर आनंद है, जो जेडीयू के रणवीर आनंद है जो एमएलसी है, उनके द्वारा बीजेपी का दामन थामने का ऐलान कर दिया गया है। बता दें आपको कि रणवीर आनंद जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुँच चुके हैं और सम्राट चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। तो यह बड़ी खबर राजधानी पटना से निकल कर के सामने आ रही है। और बता दें कि इस खबर के बाद जेडीयू में भूचाल सी आ गई है। जिस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता रणवीर आनंद और एमएलसी भी है रणवीर आनंद, उनके द्वारा बीजेपी का दामन थामा जा रहा है, लेकिन औपचारिक मुलाकात जो है वो उनके द्वारा सम्राट चौधरी से की गई है, लेकिन 11 अक्टूबर को घोषणा कर देंगे कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको सुनाएंगे। और जिस तरीके से यह भूचाल जो है वो सियासी में गर्माहट ला दी है, उसको देखने के बाद सभी दलों में आपस में एक बातें की चर्चा हो रही है कि जेडीयू के जो नेता है वो किस तरीके से बीजेपी में जा रहे हैं। तो यह देखने वाली बात हो रही कि क्या बीजेपी जो है वो अब जेडीयू में सेंध लगाना शुरू कर दी है। तो आने वाले 2024 के चुनाव से पहले क्या बीजेपी जो है वो जेडीयू के कितने मंत्री और कितने विधायक समेत कितने पार्टी के कार्यकर्ता को तोड़ करके अपने खेमे में शामिल करते हैं, यह देखने वाली बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह के बीच जो है वो नीतीश कुमार फंसे हुए नजर आ रहे। अब तो नीतीश कुमार की ये हाल हो गई है कि ना वो अब घर के हो सकते हैं ना घाट के हो सकते हैं। यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर वह बीजेपी में जाना चाहेंगे तो बीजेपी साफ शब्दों में यह कह दी है कि हम जो है वो नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेंगे, यानी कि अपने साथ वो लेकर के बीजेपी अब नीतीश कुमार को नहीं चलेगी। तो नीतीश कुमार अब यह सोच रहे हैं कि अगर हम राजद का दामन छोड़ देंगे तो हमारी कुर्सी जो है वो पलट सकती है। कब किस करवट नीतीश कुमार जाएंगे यह भी एक सवाल बड़ा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनके पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और एमएलसी रणवीर आनंद के द्वारा बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद पूरे जेडीयू में तहलका सी मच गई है। फिलहाल रणवीर आनंद के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है उसके तरफ हम आपको ले चलते हैं और सुनिए रणवीर आनंद ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। मेरे लिए एक बड़ा सुखद क्षण है। काहे इसे कर रहे हैं भाई? अपने घर में वापस लौट रहा हूँ और जो अभी पूरे बिहार में संस्कार चल रहा है, एक सही व्यक्ति राहु केतु के चक्कर में पड़ गए, दो एल के बीच एन फंस गए। राजद नेता ललन सिंह और राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बीच में नीतीश कुमार जी फंस गए हैं और मुझे लगता है कि वह उनके लिए यह बड़ी दिक्कत की भी बात हो रही है, उनको भी सफोकेशन हो रहा है। अब क्या पता उस सफोकेशन से कब निकलेंगे ये हम नहीं जानते हैं।